Hey guys, welcome back to my new blog. आज का ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर प्लेट का मशीन, जिसमें हाइड्रोलिक मशीन आएगा, क्रैंक मशीन आएगा और पेपर कप बनाने वाला मशीन, जो कि बहुत कॉस्टली आता है, लगभग 10.5 लाख का, साइज में भी बहुत बड़ा रहता है। आपको दिखाते हैं, हम आ गए हैं प्लांट। अब हम प्लांट आ चुके हैं गाइस। ये रहा प्लांट, जिसमें अभी एक प्लेट और पथरी बनाने वाला मशीन एक्टिवेट है। आपको दिखाते हैं कैसे उसमें प्लेट बनाया जाता है। इधर हो गया आपका डबल रोल लगा हुआ है, क्योंकि जब कटोरी 7 इंच का बनता है तो डबल रोल लगता है इसमें, पतली के लिए सिंगल रोल। ये रोल लगा हुआ है, यहाँ से खींचा जाएगा और ये बॉयलर है। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन। अभी प्लांट में गाइस मशीन चल रहा है, नॉइस ज्यादा है, इसीलिए 5:30 बजे हम लोग जाएंगे, सारा मशीन को डिटेल से शूट करेंगे। अभी जा रहे हैं, थोड़ा नाश्ता दे देते हैं, लगभग 4:30 बज चुका है अभी। और हम खाने जा रहे हैं आलू का पराठा, दही और अचार, मिलते हैं हम खाना के बाद। गाइस मैं दोबारा आ चुका हूँ प्लांट में। अभी मशीन बंद है तो शांति फील हो रहा है, स्टाफ सब भी चला गया। थोड़ा सा मशीन के बारे में आप लोग को बताते हैं, ताकि आप लोग को मशीन लेने का मन हो तो ऑर्डर कर सकते हैं। कमेंट आए, सामने जो मशीन देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन है। ये थोड़ा कॉस्टली आता है, अराउंड 1,10,000 तक, और इसमें 26 लीटर का हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक रहता है, 2 HP का मोटर, और ये की इसमें मोटर सिस्टम रहता है, इसमें बॉयलर लगा हुआ है, मतलब पंखा टाइप का काम करता है। इधर रोल लगाने का सिस्टम है, आप जब इसमें कटोरी बनाइएगा तो 2 रोल लगा सकते हैं 7 इंची का कटोरी बनाने के लिए, और जब इसमें पतरी बनेगा तो 1 ही रोल काम करेगा, इसमें डबल रोल कर सकते हैं। डबल रोल के लिए पतरी को मतलब रोल के ऐसे करके लगाया जाएगा इसके ऊपर, 2 रोल एक ही साथ, 1 रोल यहाँ, 1+ इसके पीछे, डबल पतरी एक बार में निकालेगा। सबसे मस्त मशीन है ये, इसमें आप 4 इंची से लेकर 13 इंची तक डाई लगा सकते हैं। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक किट और ये हो गया डाई। अभी कटोरी बन रहा था इसमें 7 इंची का, इसमें 2 डाई लगा हुआ है, जब पथरी बनेगा तो सिंगल डाई लगेगा बीच में। इधर देख सकते हैं कनेक्शन, तो वायर का कनेक्शन गया हुआ है, गया है आपका मोटर के लिए, एक गया है आपका इस इलेक्ट्रिक किट में। इसको आप यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल सेट कर सकते हैं। तो हो गया डाउन, इसको दबाइएगा तो डाउन जाएगा, अप जाएगा, इमरजेंसी स्टॉप के लिए दिया गया है यहाँ पे। ये बटन है आपका, ये बॉयलर चलाने, ये बॉयलर आपको चलाना रहेगा तो बटन ऑन करना पड़ेगा। बॉयलर का मेन काम रहता है पथरी को उड़ाना हवा से, जैसे कि यहाँ पे कटोरी कटिंग हुआ, हवा से उड़ा देगा। तो यहाँ एक स्टाफ बैठी रहती है, इसका काम रहता है उसको काउंट करके करते जाना है। पैकेट में 12 पीस या 20 पीस रहता है। उसके बाद ये डायरेक्ट भी गर्म है, इसके अंदर एक पत्ती लगाया गया है, पत्ती में 2 वायर से करंट दिया गया है इसको हीट करने के लिए, हीट रहता तभी ये कटता है, नहीं तो फिर सट जाएगा। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन हम आपको लगभग बता ही चुके हैं, ये पतरी बनाने का बेस्ट मशीन है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये क्रैंक मशीन, ये भी पतरी बनाने का सुपरवाइजर रविंद्र श्रीवास्तव से आप जानिए इस क्रैंक मशीन के डिटेल्स। ये पेपर प्लेट का क्रैंक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें भी डबल डाई चलता है और हाइड्रोलिक में भी डबल डाई चलता है। इसमें जो है कि सिर्फ नॉर्मल आइटम बनता है और फैंसी आइटम के लिए हाइड्रोलिक मशीन में जाना। ये अपना पेपर प्लेट में पेपर कप मेकिंग मशीन, इसमें 60ml कप, 80ml कप, 100ml कप, सारा कप बनता है, और इसमें जो है कि आपको 1 मिनट में लगभग 100 कप बनता है। अच्छा, प्रोडक्शन शुरू हो गया है इससे? जी, प्रोडक्शन चालू है। एक दिन में कितना कप निकल जाएगा इससे? एक दिन का नहीं, इसमें 1 मिनट में 100 कप निकलता है। 1 मिनट में 100 कप निकल जाएगा जी। कप कितना ml का रहेगा? और अभी हम लोग 60ml बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में ज्यादा डिमांड 60ml का। अच्छा, कप में सिर्फ चाय पी सकते हैं? चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। ऑक्सीजन का पाइप लगेगा उसमें? ये मैकेनिज्म है, यहाँ से पेपर जाता है अंदर, पहले गया इसमें राउंड होके, यहाँ राउंड हो जाता है, राउंड होके इसमें गया, पेंदी लगता है, फिर पेंदी टाइट होता है, फिर पेंदी टाइट होने के बाद जो है कि उसका कोर बनता है, कोर बनने के बाद जो है कि यहाँ पे कप निकलता है, फिर यहाँ से निकालना होता है, इसका काउंट यहाँ सेंसर से होता है। इस मशीन का कोस्ट 7.5 लाख पड़ता है विदाउट GST, इसमें GST इंक्लूडेड है, बाद में GST लगेगा, इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी अलग से लगेगा, अराउंड 10 लाख 10.5 लाख लग जाता है इस मशीन को इंस्टॉल कराने में। ये रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना बताने के लिए। लगभग मैं आप लोग को सारा जानकारी मिल गया होगा गाइस, ये तीनों मशीन के बारे में। जैसे कि ये क्रैंक मशीन है, इसे नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, आपको फैंसी प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन लेना पड़ेगा, जो कि 1,10,000 अराउंड में आता है। मशीन भी हम लोग लगाते हैं, आप लोग को किसी को भी मशीन चाहिए तो कमेंट कीजिए। पेपर प्लेट बनने के बाद ये कचरा बचता है, इसको भी हम लोग सेल कर देते हैं 3.5 रुपया KG में। ये प्लांट लगभग 862 स्क्वायर फीट में प्लांट बनाया गया है, प्लांट बनाने का खर्चा भी लगभग 1.5 लाख आया था। आपको जो भी मशीन चाहिए, हम लोग 70,000 से लेके 20
लाख तक का मशीन सप्लाई करते हैं। होम डिलीवरी, आपको सिर्फ पैसा देना है और कुछ नहीं करना है, घर बैठे बैठे मशीन पाएं। गाइज लगभग प्लांट का सारा इन्फॉर्मेशन बता ही दिए हैं, कोई चीज का दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अब वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले दबा के। हे गाइज, हम लोग निकल चुके हैं कार से अररिया काली मंदिर स्लीप वेल, जिसमें कि हम लोग को वीआईपी चादर खरीदना है और हमारे साथ है रविंद्र रवि प्रशांत और हम लोग के अररिया का बेस्ट मोमो भी दो फाइल देंगे। लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए दबा के। ये रहा गाइज स्लीप वेल गैलरी अररिया माँ काली चौक। ये अररिया का चांदनी चौक है, चांदनी तो नहीं दिखती है लेकिन चौक जरूर दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पुलिस सब अपना कोटा पूरा करते हुए बाइक धारी सबको कितना। अब हम लोग आ चुके हैं स्लीप वेल से, दो चादर लिए लेकिन स्लीप वेल वाला बहुत घटिया है। अब आगे जा रहे हैं, पहले पानी पूरी दो फाइल देंगे, उसके बाद थोड़ा दिमाग को शांति करेंगे आगे निकले। अब गाइस खा रहे हैं हम लोग पानी पूरी, लखनऊ पानी पूरी। दिखाइए भैया जी को, अंकल जी हैं लखनऊ से आए पानी पूरी बेचने के लिए अररिया में। आप समझ सकते हैं अररिया कितना फेमस है। अब हम लोग मार्केट से रूम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और आज का ब्लॉग कार में बैठे बैठे समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दबा के। मिलते हैं अगला ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू भंडार में पान भी दिए।